वेलकम टू स्पोर्ट्स अरीना। रविचंद्रन अश्विन टीम इंडिया के स्टार ऑफ स्पिनर। लंबे वक्त से अश्विन टीम इंडिया की स्पिन बॉलिंग को लीड कर रहे हैं। हाल ही में खत्म हुए ऑस्ट्रेलिया टूर में उन्होंने 3 मैचों में 12 विकेट लिए थे। इस टूर पर भारत के लिए उनसे ज़्यादा विकेट सिर्फ पेसर मोहम्मद सिराज ने ही ले पाए थे। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब टीम इंडिया अपने घर में इंग्लैंड का सामना कर रही है। चेन्नई में चल रहे पहले टेस्ट की पहली पारी में अश्विन ने 3 विकेट निकाले थे। अश्विन ने रॉरी बंस, ओली पॉप और जेम्स एंडरसन के विकेट लिए थे। बॉलिंग के बाद उन्होंने बैटिंग में भी जलवा दिखाया। अश्विन ने भारत की पहली पारी में 126 मिनट बैटिंग की। 31 रन बनाने वाले अश्विन ने 7वें विकेट के लिए वॉशिंगटन सुंदर के साथ 80 रन की पार्टनरशिप की। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें रिकॉर्ड क्या है, होल्ड करिए, बस वहीं पहुंच रहे हैं। इंग्लैंड के 578 रन के जवाब में भारत की पहली पारी 337 रन पर ख़त्म हुई। लोगों को लगा कि इंग्लैंड अब भारत को फॉलो ऑन देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शुरू से ही डिफेंसिव खेल रहे अंग्रेजों ने दोबारा बैटिंग का फैसला कर लिया। लंच से पहले सिर्फ 7 मिनट का खेल बाकी था, ऐसे में कैप्टन कोहली ने नई गेंद रविचंद्रन अश्विन को सौंप दी। अश्विन ने अपने कैप्टन के भरोसे को तुरंत ही सही साबित कर दिया। उन्होंने पारी की पहली ही गेंद पर इंग्लिश ओपनर रॉरी बंस को निपटा दिया। अश्विन की यह परफेक्ट डिलीवरी पढ़कर अंदर की ओर आ रही थी। वंस ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ पर पड़ी इस बॉल को डिफेंड करने के लिए आगे आ गए, लेकिन गेंद पढ़कर घूमने के साथ बाउंस भी हुई और बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर स्लिप में खड़े अजय रहाणे के पास पहुंच गई। और रहाणे ऐसे कैच तो छोड़ ही नहीं सकते। रहाणे के कैच पकड़ते ही अश्विन को दूसरी पारी की पहली ही गेंद पर विकेट मिल गया। इसके साथ ही उन्होंने वह कमाल दोहरा दिया जो आखिरी बार 114 साल पहले 1907 में हुआ। साल 1907 में साउथ अफ्रीका के लेग स्पिनर बर्ट बोगलर ने यह कारनामा किया था। ओवरऑल क्रिकेट इतिहास में अभी तक सिर्फ 3 स्पिनर ही यह कर पाए हैं। ऐसा करने वाले पहले स्पिनर इंग्लैंड के बॉबी पील थे, उन्होंने 1888 में यह कारनामा किया था। ओवरऑल भी देखें तो हाल के सालों में नई गेंद से अश्विन काफ़ी सफल रहे हैं। साल 2015 के बाद से वह नई गेंद से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बॉलर हैं। इस दौरान अश्विन के नाम 55 विकेट रहे हैं। दूसरे नंबर पर 46 के साथ मोहम्मद शमी हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। फॉर मोर वीडियोज़ स्टे कनेक्टेड।